गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके लाए आप लर्निंग कर्व का. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 800 एंड 900 यूनिट्स. 800 के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 और 900 के लिए 6. ये टोटल टाइम है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 13 में 3 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम कितना लगेगा? 70.21 और टोटल टाइम 210. मैंने आपको कहा था कि आप जहां हमने लॉग टेबल के बिना सॉल्व किया था ऐसी किसी सिचुएशन को भी लॉग टेबल से करके देखना. क्या आप में से किसी ने करके देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड इट? हाँ, पर आंसर नहीं मिला तो फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है. जो विदाउट लॉग टेबल क्वेश्चन हुए थे उनको लॉग टेबल से अगर आप करके देखेंगे तो सेम आंसर आएगा. सब करके देखिए. फिर क्वेश्चन नंबर 15 था इसमें. द होल बैच टुक 30 आवर्स. एलसी कितना आया क्वेश्चन 15 का? 89.86, अप्रॉक्सीमेटली 90% ही मान लो. ठीक है, थोड़ा राउंडिंग एरर मान सकते हो आप. फिर क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था क्या पहले? क्लास में हो गया क्या 16? अब करना है. चलिए लेट्स डू इट. लिखा है एन इलेक्ट्रिक फर्म हैज डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम हैज बीन आस्क्ड टू कोट फॉर अ प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. कोटेशन देना है आपको तो पहले आपको कॉस्टिंग तो बताओ तो आप कोटेशन दोगे. द कस्टमर रिक्वायर्स सेपरेट प्राइस कोटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑर्डर्स. पहला ऑर्डर देंगे वो 100 यूनिट्स का, उसका अलग भाव चाहिए उनको. दूसरा ऑर्डर 60 यूनिट का देंगे, उसका अलग भाव चाहिए. तीसरा ऑर्डर 40 यूनिट का है, उसका अलग भाव चाहिए. द फर्म एस्टिमेट्स द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. कॉस्ट पर यूनिट, हाँ, पर बैच नहीं है. एक यूनिट बनाने में ₹500 का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा. डिपार्टमेंट ए हाईली ऑटोमेटिक. ये हाईली ऑटोमेटिक वर्ड जो है ना, फ्रेज जो है, ये हमारे लिए बहुत ही काम का है. क्योंकि अगर फुल्ली ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं तो लर्निंग कर्व कुछ 100% होगा. लर्निंग कवरेज, कोई लर्निंग ही नहीं आएगी. पहली यूनिट को बनाने में अगर 1 घंटा लगा है तो दूसरी यूनिट में भी 1 घंटा ही लगेगा. मशीन थोड़ी सीखती है. आजकल इंटेलिजेंट मशीन्स भी बनने लग गई है जो सीखती हैं. आप हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते होंगे ऐसे रोबोट्स बन जाते हैं जो सरकमस्टांसेस से सीखते जाते हैं और आगे काम करते हैं. पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम तो बेचारे इंडिया में ढंग से हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप तक नहीं चलते हैं, हम कहाँ भी रोबोट की बात करें. मशीन्स नहीं सीखती हैं, हाँ, मैन सीखता है यही. और इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई, शायद भास्कर में ही था. अब मैं नाम इतने सब स्किप कर गया, पता नहीं क्या क्या. एक बहुत ही फेमस कोई ब्रांड ने या यूनिवर्सिटी ने ये स्टडी करी और उन्होंने बोला कि आप जब एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करते थे पहले तो इस बात को ध्यान रखा जाता था कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब. पर अब कंसेप्ट थोड़ा बदल गया है. नाउ कंपनीज हायर द पीपल हु आर रेडी टू लर्न. ऐसे लोगों को नहीं चुना जाता है जिनको ये काम करते आता है, बल्कि अब बाजार में सिनारियो ये हो गया है कि ऐसे लोगों को किसी जॉब पर रखा जाता है जो सीखने को तैयार है. क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं. वन हु इज रेडी टू लर्न कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी कर सकता है वो आदमी. फिर तो जो सीखने के लिए तत्पर हो, ये टेस्ट ली जाती है इंटरव्यूज में कि आपकी लर्निंग डिजायर्स कितनी है. जिसकी लर्निंग डिजायर्स स्ट्रांग हो वो नई चीजें सीखेगा और हर एनवायरनमेंट में अपने आप को मोल्ड करके और काम में फिट हो जाएगा.
मशीन्स नहीं सीखती है, पर इंसान सीखता है। सीए के कई स्टूडेंट मुझे मशीन लगते हैं, सीखते नहीं है, रटते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं। स्टार्ट लर्निंग, हाईली ऑटोमेटिक, इसमें कोई लर्निंग काम नहीं लगेगी। एक यूनिट बनाने में अगर 20 घंटे लग रहे हैं तो 100 यूनिट बनाने में 2000 घंटे लगेंगे। डिपार्टमेंट बी स्किल्ड लेबर, ये स्किल्ड वर्ड डाल के भी इन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए गड़बड़ करी। स्किल्ड लेबर की लर्निंग कर्व, लर्निंग रेट कम होती क्योंकि वो ऑलरेडी स्किल्ड है, अब और क्या सिखाओगे उनको। अनस्किल्ड की जो लर्निंग रेट है वो ज्यादा होती है क्योंकि वो रॉ है, वो और सीखेगा और आगे बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी। खैर, स्किल्ड लेबर के लिए 40 आवर्स लगते हैं एक यूनिट पे और 15 रुपए घंटे का काम है, तो 200 की डिपार्टमेंट ए की लेबर, 600 की डिपार्टमेंट बी की लेबर, 800 और 500 का रॉ मटेरियल, 1300 पहली यूनिट के लिए हो गया है सब। वेरिएबल ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, डिपार्टमेंट ए के लिए एब्सॉर्प्शन होगा 8 रुपए पर घंटे का और डिपार्टमेंट बी के लिए 5 रुपए पर घंटे का। डिटरमाइन प्राइस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द थ्री ऑर्डर्स, अज्यूमिंग द फर्म यूजेस ए मार्कअप ऑफ 25% ऑन टोटल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आएगी उसमें 25% जोड़ देंगे, एंड अलाउज फॉर 80% लर्निंग कर्व। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल, 80% लर्निंग कर्व टेबल के लिए कुछ हमको यहाँ पर रेडीमेड फिगर्स दिए हुए हैं। एक यूनिट में 100% टाइम लगेगा, पर 1.3 यूनिट्स में 91.7% टाइम लगेगा और दो यूनिट में 80% टाइम। दो यूनिट में 80% टाइम लगना तो बड़ा लाजमी है क्योंकि एक यूनिट में कितना लगा, 100, तो डबल करेंगे तो 80% का लर्निंग कर्व रेशियो है। X represents cumulative total volume produced to date expressed as a multiple of the initial order. देखते हैं ये टेबल हमको कितना काम आ पाएगी, let us see. चलो 100 ऑर्डर, पहले 100 यूनिट, फिर 60 और फिर 40. अब इसमें एक बात सोचने वाली ये है कि लर्निंग कर्व 100 की बैच पे लगेगा या एक यूनिट पे लगेगा। जिस तरह से इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बैच पे लगाना चाह रहे हैं ये, क्योंकि एक बैच होगी आपकी 100 की और मान लो दूसरी बैच आपने फिर 100 की बना ली, तो दो बैच के हिसाब से आप डबल प्रोडक्शन पे आ गए और इसीलिए जो लर्निंग कर्व के रेशियोज दिए हैं वो 2.0 तक ही दिए हैं। अगर ये पर यूनिट होती तो 2 से कहाँ काम चलता, 2 से 4 होता, 4 से 8 होता, 8 से 16, 32, 64, 128 और 128 से डबल जाते 256, तब जाके अपना काम होता। ये 2 पे रुक गया है और वैसे भी डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर क्या लिखा है, द फर्म एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब लर्निंग शायद ये जो टेबल दी ना बाद में एक्स और वाई के परसेंटेज की, ये टेबल मोटिवेट कर रही है कहीं ना कहीं पर हमको कि पर बैच चला जाए इसमें रेदर देन की पर यूनिट। क्या बोलते हो आप, क्या करें? पर फिर एक बैच आपकी 100 की हो जाएगी, फिर एक बार 100 के बाद आपको ना 160 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और 160 में से आप 100 को माइनस कर लेंगे तो अगला 60 आ जाएगा, फिर एक 200 का कैलकुलेट करना पड़ेगा और 200 में से 160 माइनस करेंगे तो अगला 40 आ जाए। जिस तरह से ये टेबल क्वेश्चन में लास्ट में दे दी है और लॉग की वैल्यूज नहीं दी है, उसको देख करके लगता है कि हमको कैसे चलना पड़ेगा पर बैच। क्वेश्चन समझ के करना पड़ता है अपन तो। लिखो सबसे पहले एक अजम्पशन, अगर आप डिफरेंट अजम्पशंस ले लोगे तो ये टेबल काम नहीं आएगी, फिर लॉग टेबल से काम चलाना पड़ेगा।
Let us assume that learning curve ratio given in the question is not per unit. Rather than it is per batch of 100 units. It is per batch of 100 units. Dusra point aap likhe assumption mein. Let us assume that no LCR will apply. LCR will not apply. Let us assume that LCR will not apply. To department A. वो हाईली वर्ड ना अपने को बहुत ऑटोमेटिक वर्ड ही वैसे तो मोटिवेट कर रहा था, बट हाईली ऑटोमेटिक में तो फिर क्या लर्निंग आएगी, बिकॉज इट इज हाईली ऑटोमेटिक. अब ये वीडियो कैमरा शूट कर रहा है जो मुझे ये चला रहे हैं हम एक साल से दो साल से, कुछ सीखा ही नहीं है अभी तक. चालू करो तो चालू हो जाता है, बंद करो तो बंद हो जाता है. किसी दिन साउंड कार्ड लगाना भूल जाओ तो बिना साउंड के लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है. बोलता ही नहीं है कि अरे भैया आवाज नहीं आ रही. नो लर्निंग. इट्स अ मशीन, इट डजंट लर्न. ये नहीं सीखती है. इस मशीन को कुछ बताओगे बस उतना काम करेगी. इसलिए हाईली ऑटोमेटिक को कंसिडर करके हमने क्या बोल दिया कि कोई लर्निंग कर्व रेशियो अप्लाई नहीं होता. तो पहले हम सबसे पहले तो लेबर टाइम निकाल लेते हैं, फिर बाकी सारा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होगा. एवरेज टाइम फॉर 100 यूनिट्स या वन बैच जो भी आप लिखना चाहेंगे. एवरेज टाइम पर यूनिट है ये फॉर 100 यूनिट्स. डिपार्टमेंट बी में पहली यूनिट बनाने को कितना घंटा लगता है? 40. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 यूनिट्स. एक मिनट, वो तो 40 ही है. टोटल टाइम निकालना पड़ेगा हमको. टोटल टाइम फॉर 100 यूनिट्स विल बी 40 × 100. कितना हो जाएगा? 4000. पहली बैच में तो कोई लर्निंग का लगेगा नहीं ना, ये तो पहली बैच का टाइम है. फिर उसके बाद 80, 160. अब 160 मतलब 1.6 बैचेस, तो 40 × 0. क्वेश्चन में देखो 861 लगाओ कितना है? 34.44. तो टोटल टाइम फॉर 160 राउंड ऑफ कर दो 5510. फिर एवरेज टाइम फॉर 200, उसका लर्निंग कवर रेशियो दो बैच लगेगी उसमें, 1.6 बैचेस नहीं लगेगी. कितनी बैच लगेगी? दो बैच. तो 40 × 0.8 = 32. तो टोटल टाइम फॉर 200 6400. बस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. फर्स्ट 100 यूनिट्स. लो भाई रॉ मटेरियल कितना है पर यूनिट? 500. तो 100 यूनिट्स इंटू 500 कितना हुआ? 50,000. फिर लेबर
डिपार्टमेंट ए 100 यूनिट्स इनटू एक यूनिट पे कितना 20 घंटा ना, हाँ तो 20 आवर्स इनटू 10 का रेट 20,000। बी में तो 4,000 घंटे लग रहे हैं हमको मालूम है, और भाव क्या है 15 60,000। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में क्या करना है हमको 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर तो 80,000 है, वेरिएबल ओवरहेड 80,000 का 20% 16,000। फिक्स्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट ए में कितना 8 रुपए घंटा है, तो 2,000 घंटे इंटू 8 16,000, और 4,000 घंटे इंटू 5 20,000। वन लाख 82,000। अब इसमें 25% मार्जिन भी जोड़ लो ना, प्रॉफिट मार्कअप मान लो कॉस्ट का ही 25% है वो, है ना, कुछ लिखा तो है नहीं कि कॉस्ट का है कि सेल का, तो कॉस्ट का ही मानते हैं। 45,500 टोटल 227,500 में माल बेचेंगे हम। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स ओवरहेड एब्सॉर्ब करने को बोला है तो कर लिया हम, फिर होगा अगर कहीं ओवर एब्सॉर्प्शन अंडर एब्सॉर्प्शन तो वो हमारा हेडेक नहीं है क्यूटी में, वो कॉस्ट अकाउंटेंट विल हैंडल इट। नेक्स्ट 60 यूनिट्स ओनली। मशीनें नहीं सीखती हैं, जानवर धीरे सीखता है और कम सीखता है। एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो ग्रेस्पिंग और लर्निंग पावर है वो एलिफेंट में होती। नहीं, व्हाट्सएप पे कभी वीडियो नहीं देखे आपने, फोटो नहीं आए कि एलिफेंट्स इवन दे डू द ड्राइंग, पेंटिंग भी कर लेते हैं, और उसके ऊपर जो सीखने की क्षमता भगवान ने सबसे ज्यादा दी वो इंसान को दी सीखने की। रटने की तो क्षमता मशीन में भी है और जानवर में भी। प्रूफ दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग। सीखो, सीखते रहो। 60 यूनिट्स के लिए सॉल्व करो।
पहले तो कॉस्ट कितनी आई? प्रॉफिट 221, टोटल 1109. नेक्स्ट का फाइनल आंसर 70588. अगर पर यूनिट निकालें तो कितना कितना आएगा? 2275 सेलिंग प्राइस, 1109 एंड 706. नहीं नहीं 60 और 40 से डिवाइड करो ना बेटा. 1849 एंड 1765. 160 और 40 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा. चलो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. अ कंपनी हैज 10 डायरेक्ट वर्कर्स हु वर्क 25 डेज अ मंथ फॉर 8 आवर्स पर डे. 25 × 8, 200 घंटे हर महीने काम करते हैं ये. The estimated downtime is 25% of the total time available. 200 घंटे में से 50 घंटे तो डाउन टाइम है, 150 घंटे. The company received an order for a new product. The first unit of new product requires 40 direct labor hours to manufacture the product. The company expects 80% learning curve, जिसका इंडेक्स है -0.322. इंडेक्स मतलब एक्चुअली बी. बी क्या होता है? लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ टू. अगर आपके दिमाग में हो थोड़ा सा भी तो जो 80% का अपना पहले करा था तो यही -0.322 आया था. तो एक्चुअली ये बी दिया है, जो इंडेक्स दिया है दैट इज व्हाट बी.
The company uses standard absorption costing and the cost data are is under material दिया है, labor का rate दिया है, variable overhead का rate दिया है जो labor hour पे ही depend करता है, fixed overhead तो fixed है 7,500 per month. Required to calculate the, अब देखो fixed overhead 7,500 हैं और महीने में हमारे पास 1500 घंटे हैं काम करने के लिए. कैसे 1500 घंटे, वो 200 घंटे में 50 घंटे तो वेस्ट हुए, बचे 150 घंटे और 10 लेबर है, 1500 घंटे तो 7,500 डिवाइड बाय 1500 कर लो, ₹5 पर आर का एब्सॉर्प्शन कर सकते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड का. ठीक है, कंसिडरिंग कि हम पूरे 1500 घंटे काम करेंगे. कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही होता ना, मुझे नहीं आती कॉस्टिंग, आप लोगों ने, आपको ज्यादा आता होगा, ऐसा ही होता है बेटा, क्या होता है, हाँ कि ना? अच्छा ठीक, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं मान रहा हूं, मुझे तो पता नहीं. कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स. अब यहां तो क्लियर है कि पर यूनिट चल रहा है, बैच का कोई सिस्टम नहीं है यहां पर. ओके, इफ द कंपनी रिसीव्स अ रिपीट ऑर्डर फॉर 20 यूनिट्स, वॉट प्राइस विल बी कोटेड टू यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस. मुझे लगता है ये आसान क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं कर पाएंगे आप, मैं कर दूं बोर्ड पे, आप उतार लें फटाफट, आप कर कोशिश करेंगे फिर मेरे से कल बोर्ड पे करवा लेंगे. ये क्वेश्चन बोर्ड पे करना पड़े तो बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए, तो करके लाइए इसको आप सॉल्व. चलो, तो क्वेश्चन 17 आपके लिए हो गया होमवर्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18. बीसीसी मैन्युफैक्चरर्स एग्जीक्यूटिव चेयर्स, दे आर कंसिडरिंग न्यू डिजाइन ऑफ चेयर टू लॉन्च इन द मार्केट. प्रपोज सेलिंग प्राइस इज ₹120. ₹120 में चेयर बेचेंगे, पता नहीं कैसी चेयर. BCC wants contribution of 20% on selling price. Wants 20%, ये अजीब बात लिखी है वैसे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80%, मतलब जो भी वेरिएबल कॉस्ट आए उसको 80% मानते हुए 100% कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी. देर आर थ्री डायरेक्ट कॉस्ट, फ्रेम विच इज बॉट फ्रॉम मार्केट एट ₹51, लेदर ₹25 पर चेयर and direct labor at ₹14.5 per hour. The first table will take 2 hours. Learning curve is 95%. Find the minimum number of chairs. Oh, ye ulta kuch chal raha hai. Find the minimum number of chairs to be produced and sold so that the target is achieved. Yaar, ye kya natak hai? Assume the learning curve improvement will stop. ओहो, और एक खतरनाक बात, लर्निंग कर्व इंप्रूवमेंट विल स्टॉप वंस 128 चेयर्स हैव बीन मेड एंड द टाइम फॉर द 128th यूनिट विल बी द टाइम पर यूनिट फॉर ऑल सब्सिक्वेंट यूनिट्स. एक चीज तो आ गई कि लर्निंग कर्व स्टॉप हो रही है और दूसरी चीज ये आ रही है कि कितनी यूनिट बनाए जिससे कि ये 20% जो हम अचीव करना चाहते हैं वो आ जाए. मतलब एक्चुअली ₹120 की सेलिंग प्राइस है, उसका 80% कर लो तो 96 आता है क्या? तो 96 तब आएगा जब 51 और 25 का फ्रेम और लेदर माइनस कर दो 96 में से. 96 माइनस 51, 96 की कॉस्ट माइनस 51 की फ्रेम माइनस 25 का लेदर ₹20. ₹20 हमारी लेबर कॉस्ट आए पर यूनिट, तब मामला जमेगा. और लेबर रेट क्या है? 14.5, तो 20 डिवाइडेड बाय 14.5 1.388888 है क्या? तो 38 हो गया राउंड ऑफ करके. 1.38 आवर्स एवरेज टाइम लगे उतनी यूनिट बनानी है. पर अब उसमें भी पंगा ये है कि वैसे तो लॉक से उल्टा जाके हम फटाफट निकाल लेते हैं, पर अब केवल लॉक टेबल से काम नहीं चलना है क्योंकि 128 यूनिट के बाद लर्निंग खत्म हो जाएगी. पर हो सकता है 128 यूनिट के पहले ही आ जाए, तो हम 128 यूनिट पर ट्राई करके देख लेना. 128 करने के लिए
चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ 128, सात बार पावर लगानी पड़ेगी। जरा 0.95 की पावर 7 कर लीजिए, 0.95 था ना, हाँ 0.69 आ गया। इंटू दो घंटा है ना पहली चेयर के लिए, इंटू टू 1.40 आ गया ऑलमोस्ट, जबकि हमको तो 1.38 चाहिए, मतलब 128 से भी हमको ज्यादा यूनिट बनानी पड़ेगी। नहीं, कम में तो और ज्यादा टाइम लगेगा, अपने को टाइम एवरेज टाइम कम करना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। 128 के बियॉन्ड तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो 1.38 ओरली हमने सॉल्व कर लिया था, इसको हम लिख करके सॉल्व कर लेते हैं। हम एक ऐसा स्टेटमेंट बना लेते हैं कि एक तो फ्रेम लगेगी हमको कितने रुपए की, 51, उसके बाद लेदर 25, उसके बाद लेबर, यहां पे वर्किंग नोट की और अमाउंट की जगह खाली छोड़ देते हैं, ये टोटल कॉस्ट आएगी। फिर इसमें हमको चाहिए प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए कंट्रीब्यूशन वाले मुद्दे पे चल सकते हैं। तो आएगी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 120, इसका 20% प्रॉफिट चाहिए तो 24, तो 24 तो कॉस्ट कितनी हो गई 96, तो लेबर एज ए बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 20, तो 14.5 इंटू वॉट 20 डिवाइडेड बाय 14.5, एग्जैक्टली तीन डिजिट तक, चार डिजिट तक बताओ, 1.3793 के 94। इससे हमको कि हमको एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए 1.3793 आवर्स। आप लिखें, इट मींस दैट एवरेज लेबर आवर्स पर एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट शुड बी 1.3793। अब कितनी यूनिट बनाने से वो आएगा ये तो भगवान ही जानता है। तो हम आप लिखें, लेट अस अज्यूम दैट BCC will have to manufacture X number of chairs. BCC will have to manufacture X number of chairs to achieve this target. अब समझना, अब हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एवरेज टाइम फॉर एक्स इज इक्वल टू एवरेज टाइम फॉर 128 यूनिट्स इनटू 128 यूनिट्स, तो 128 यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा, प्लस एवरेज टाइम ऑफ एक्स माइनस 128, मान लो x 140 है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगली 12 यूनिट का हमको टाइम चाहिए मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर हम इसको x मान ले जो 128 के ऊपर यूनिट बन रही है, तो
तो शायद थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो फिर यहाँ डायरेक्ट एक्स आ जाएगा। अब हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो चलो ऐसे ही सही, कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड ही कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय एक्स, अभी एवरेज टाइम फॉर एक्स यूनिट तो हम चाहते हैं कि 1.3793 हो, इक्वल टू एवरेज टाइम फॉर 120। नहीं, पहले ये ब्रैकेट वाला फिगर बताओ मुझे। वन पॉइंट थ्री नाइन बेटा, बाद वाली सारी यूनिट्स के लिए। एक मिनट, अब ये काम इतना आसान नहीं है, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ, यहीं पे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको बीच में छोड़ना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं 128वीं यूनिट के लिए जितना समय लगा, बाद वाली यूनिट्स में भी उतना ही समय लगेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम फॉर 128 यूनिट्स निकालना पड़ेगा और फिर टोटल टाइम फॉर 127 यूनिट्स निकालना पड़ेगा। तो इससे 128वीं यूनिट का टाइम निकल के आएगा और वही टाइम यहां डलेगा। हेलो, माइक टेस्टिंग। टोटल टाइम फॉर 128 और टोटल टाइम फॉर 127 का डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो टाइम फॉर 128 यूनिट निकल करके आएगा। तो इसको अभी मैं थोड़ा बीच में छोड़ता हूँ, और टोटल टाइम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज टाइम। उसके लिए वो पूरा लॉग टेबल वेबल सब कुछ देखना पड़ेगा। इधर कर लेते हैं उसको, इस साइड। तो एक तो हम निकालते हैं 80128। वैसे 80128 तो निकल ही आया है, तो TT128 भी आ जाएगा। हम मेहनत सिर्फ किस पे कर लें, 127 पे, जो लॉग टेबल से ही निकल पाएगा क्योंकि वो 2 के मल्टीपल में नहीं है। 80127 इज इक्वल टू 2 इंटू, क्या करते हैं वो, क्या फॉर्मूला क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टू द पावर बी। अरे वाह, आता है आपको। तो एक्स कितना है, 127 की पावर क्या करनी है, बी। तो वो है लॉग ऑफ 0.95 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। सॉल्व करके बताओ।
कितना है 81/27? 1.4 डिजिट। वन पॉइंट थ्री नाइन सिक्स जीरो। कोई कंफर्म करेगा? पॉइंट 3960 दो बच्चों ने कंफर्म कर दिया। और आ रहा है? और भी कुछ लोगों का आ रहा है, ठीक है। बाकी लोगों को थोड़ा सा गिल्टी फील करने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत बेसिक लॉग टेबल कैलकुलेशन हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है और आपसे नहीं हो पाया तो बुरी बात है। घर जाओ और इसको 1000 बार प्रैक्टिस करो। टोटल टाइम फॉर 127 यूनिट्स इज 1.3960 इंटू 127 177 पॉइंट दो डिजिट में 29। एंड टोटल टाइम फॉर 128 यूनिट्स इज क्या आया था ये 1.3967। ये 1.3967 था? आई डाउट। एक सौ 27 यूनिट का एवरेज टाइम कम है और 128 यूनिट का एवरेज टाइम ज्यादा है। यूनिट बढ़ने पे तो लर्निंग आएगी तो एवरेज टाइम और थोड़ा सा कम होना चाहिए ना। तो फिर ये गलत है 127 वाला, यही आ रहा है 3973 आ रहा है। हाँ इट साउंड्स गुड, थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए ना। लाओ फिर अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आप रहने दो, आप रुक जाओ। सेवन फोर भी चलेगा, वैसे 7.5 है और मोर एक्यूरेट आंसर इस पर, ठीक है। इंटू 127 करके बोलना कितना आया, 177.47 और 178.77। कितना टाइम लगा? 1.3
30 128वीं यूनिट में टाइम लगा है 1.30 आवर्स. घर जाके निकालना इसको वापस से 128 मिनट का टाइम. सुनो, पहले तो टाइम लगा आपको 1.3967 128 यूनिट के लिए. फिर 128वीं यूनिट के लिए जो टाइम लगा है, आगे की सारी यूनिट्स के लिए वही टाइम लगेगा. तो बची हुई यूनिट्स के लिए वो हो गया x माइनस 128 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई है, 128 प्लस x माइनस 128 दैट इज x. और ये एवरेज हमको चाहिए 1.3793. ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं. ये वाला जो पोर्शन है ये तो सॉल्व करा हमने 178.77 है. तो 1.3793 x इज इक्वल टू 178.77 प्लस 1.30 x माइनस 1.30 इंटू 128 करना. इसको सॉल्व कर दो. तो 156 कर लेते हैं हम इसको. एक सौ छप्पन यूनिट बनाई तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा. असाइनमेंट तो भूल ही गए होंगे अभी तक आप, कि एक चैप्टर था, देयर वॉज ए चैप्टर टाइटल्ड एज असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. हाँ सर, नाम थोड़े सुने हुए लग रहे हैं. यूआई और वीजी भी बताया आपको. वाह, इसको उतार लो और घर जाके थोड़े शर्मिंदा होते होते, इधर कैमरा इधर करना, थोड़े शर्मिंदा होते होते इसको 5, 6, 8 बार, 10 बार सॉल्व करना है इसको. फिर लॉग टेबल देखना, फिर सॉल्व करना, फिर सही करना, फिर गलत करना. थोड़ा राउंडिंग एरर हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, किसी का 3 भी आ सकता है, किसी का 5 भी आ सकता है, दैट इज ओके, वो चलेगा. नोट कर लिया ये. अब होमवर्क मुझे नहीं लगता है कि आप कोई क्वेश्चन कर पाओगे इनमें से. 19th इज ए वेरी बिग क्वेश्चन, वो तो आउट ऑफ कवरेज एरिया ही मान के चलो आप. क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 20 एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, इसको हम जरूर पढ़ करके देखना चाहेंगे. कंसेप्ट चेक करें ये कि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ फर्म. द फैक्ट्री मैनेजर वॉन्ट्स टू यूज अप्रोप्रिएट एवरेज लर्निंग रेट ऑन एक्टिविटीज.
so that he may forecast cost and prices for certain level of activity. अगर आप साबित करना चाहो कि आप कमजोर नहीं हो कहीं पर भी, यू आर अ सुपर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 19 सॉल्व कर लाना कल. ऑप्शनल है, मैं करवाऊंगा बोर्ड पे, कंपल्सरीली मैं बोर्ड पे करूंगा इसको. बट इफ यू वॉन्ट टू प्रूव कि यू आर समथिंग, यू आर ब्रिलियंट, तो क्वेश्चन 19 सॉल्व कर लाना. फिलहाल 20 पे ध्यान दो. द फैक्ट्री मैनेजर वॉन्ट्स टू यूज अप्रोप्रिएट एवरेज लर्निंग रेट ऑन एक्टिविटीज सो दैट ही मे फोरकास्ट कॉस्ट एंड प्राइजेस फॉर द सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी. ओके. अ सेट ऑफ वेरी एक्सपेंसिव ए सेट ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल फीड डेटा इन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इन द फैक्ट्री. द मैनेजर विशेस टू अप्लाई 80% लर्निंग रेट ऑन डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री. राइट, करेक्ट और इनकरेक्ट? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि दे विल नॉट लर्न, लेकिन उनकी लर्निंग बहुत ही स्लो होगी क्योंकि वो काफी लर्न कर चुके. लर्निंग रेट लगेगी भी तो कोई 95% 99% टाइप की लगेगी. 80% का लर्निंग रेट तो अनस्किल टाइप के लोगों पे लगता है कि 100 से 80 और 80 से 64 पे आके गिरे उनका टाइम हर बार. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. रॉन्ग, अंडरलाइन वेरी एक्सपीरियंस्ड. अ न्यू टाइप ऑफ मशीनरी इज टू बी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री. दिस इज पेटेंटेड प्रोसेस एंड द आउटपुट मे टेक अ ईयर फॉर फुल फ्लैजेड ऑपरेशन. द फैक्ट्री मैनेजर वॉन्ट्स टू यूज अ लर्निंग रेट ऑन द वर्कर्स एट द न्यू मशीन. अब यहां मैं आपको एक नई चीज बता दूं, पेटेंटेड प्रोसेस को अंडरलाइन कर लीजिए. प्रोडक्ट पेटेंटेड नहीं है, ब्रांड नेम पेटेंटेड नहीं है, मशीन पेटेंटेड नहीं है, प्रोसेस पेटेंटेड है. पेटेंटेड प्रोसेस है तो जैसा पेटेंट में बताया है वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा. खुद सीख करके और बेहतर नहीं कर सकते आप. लर्निंग कर्व तो लगेगा ही नहीं, पेटेंटेड प्रोसेस है ना, तो जैसा बताया है वैसा ही करना है. अपना दिमाग अपना एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते आप. Learning curve will not apply. An operation uses contract labor. The contractor shift people among various jobs once in 2 days. भैया मुझे 3 मजदूर भेज देना, तो आज कोई 3 आए, कल कोई दूसरे 3 आएंगे, परसों कोई दूसरे अलग 3 आएंगे. उसको तो आदमी भेजना है, वो भेजता रहेगा, पर सेम आदमी नहीं आएगा आपके पास. The contractor shift people among various jobs once in 2 days. The labor force perform one task in 3 days. मतलब कोई भी एक आदमी एक पूरा काम करता ही नहीं है, फिर दूसरा आएगा वो उस काम को करेगा. द मैनेजर वॉन्ट्स टू अप्लाई एन एवरेज लर्निंग रेट फॉर दिस वर्कर्स. लर्निंग रेट लगेगी नहीं क्योंकि आदमी बदल जाता है. यू रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजर. तो तीनों ही केस में लर्निंग रेट नहीं लगी. एक में एक्सपीरियंस है इसलिए नहीं लगेगी, एक में प्रोसेस पेटेंटेड है इसलिए नहीं लगेगी, और इसमें एक में लेबर रोटेशन है इसलिए लर्निंग का. चलिए तो बाकी तो अब मैं कैसे बिना पढ़े आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे. थैंक यू.